गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। कितने लोग फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग नहीं लिए हैं वो हाथ उठाए। जो जो फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग नहीं लिया हाथ उठाए। अच्छा, बहुत कम संख्या। चलेंगे कि जैसे बिल्डिंग के अंदर कहीं भी आग लग जाती है, आप इस कैंपस के अंदर नौकरी कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। एक चीज़ ध्यान देना, ये माइंड में मत रखना कि जी इसी कैंपस में आपको नौकरी कर रहे हो। आप कहीं भी फ्यूचर में जाते हो, कहीं भी नौकरी करने जाते हो, तो आपसे सवाल पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि नहीं। सिक्योरिटी के बारे में पूछा जाता है, DFMD के बारे में पूछा जाता है, सिक्योरिटी में एक्सिस पॉइंट के बारे में पूछा जाता है, क्या चेक करते हो रजिस्टर के बारे में पूछा जाता है। लेकिन ये मान के चलिए कि फायर के भी बारे में आपसे पूछा जाएगा। फायर के बारे में पूछा जाता है, कहीं भी इंटरव्यू में जाते हो तो पूछा जाता है कि आग क्या होता है, आग कितने प्रकार के होते हैं, ये जनरल सा नॉलेज है, ठीक है। तो उसके बारे में बताऊंगा, ध्यान से देखना कि आग क्या होता है, कौन कौन सी तरीके हैं आग को बुझाने के लिए, कौन सी टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो चारों तरफ बिल्डिंग है, हर बिल्डिंग में आग बुझाने का सिस्टम लगा होता है, हर बिल्डिंग में जो हाई राइज बिल्डिंग होती है, तो वहाँ पे मेन पावर भी होते हैं सभी प्रकार के, जिसमें आप लोग भी होते हो सिक्योरिटी का, ठीक है। तो आग क्या होता है ये चीज़ ध्यान रखना, अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आग की बात कर रहा हूँ, आग क्या होता है, आग से क्या नुकसान होती है, जान माल की हानि होती है। अगर इस कंपनी में आग लग जाएगी तो जान माल की हानि अलग से होगी, टाइम का, जैसे मान लो जिन्होंने बिजनेस किया उनका टाइम भी चला जाएगा। मान लीजिए किसी फ्लोर पे आग लग गया, कुछ दिनों के लिए बिल्डिंग बंद हो गया, हो गया तो ये मत समझो उस वजह से कितना टाइम लॉस हो गया, उसमें उनका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। जान तो अलग मैटर है, जान तो तुरंत चली जाएगी भाई, उससे बड़ा लॉस तो कुछ है ही नहीं। तो इन्वायरमेंट को नुकसान है, जब आग लगती है तो उसमें से निकलता है धुआं, निकलता है वो वातावरण को खराब करता है, दूषित करता है। तो किसको नुकसान है, इन्वायरमेंट को, वातावरण को नुकसान है आग लगने से। देखे हो ना, जंगलों में आग लग जाती है तो उस एरिया में धुआं धुआं हो जाता है, बारिश बंद हो जाती है, बहुत सारे बीमारी से लोग मर जाते हैं। तो आग लगने के कारण इन्वायरमेंट का नुकसान होता है, आग से समय का नुकसान होता है, किस चीज़ का, समय का नुकसान होता है, आग से प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, किस चीज़ का, जिस प्रॉपर्टी में आग लग गई नुकसान हो गया, चाहे किसी का भी हो, आपका हो, चाहे मालिक का हो, किसी का भी हो, समझ में आ गया। आग लगने के बाद लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, तो एक अलग तरफ के नुकसान है। और आग लगने से जान जा सकती है, आप घायल हो सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रहे, आग एक रासायनिक क्रिया है, क्या है, आग होता क्या है, ये चीज ध्यान देना। आपसे कोई पूछ लिया आग क्या होता है तो आपका जवाब रहेगा आग एक रासायनिक क्रिया है, ठीक है। इसकी पहचान क्या है, आग गर्मी देती है और रोशनी निकलता है और धुआं निकलता है। क्या क्या निकलता है, गर्मी तो निकलता ही आग से, आग से रोशनी भी निकलता है, दिखाई देता है ना, धुआं भी निकलता है। तो आग एक रासायनिक क्रिया है जो तीन चीजें मिलकर बनती हैं, कितने चीजें, आग एक रासायनिक क्रिया है जो तीन चीजें मिलकर बनती है। पहला है जलने वाली वस्तु ईंधन, क्या है, पहला है ईंधन, जिस वस्तु में आग लगेगी, कोई भी वस्तु जिसमें आग लग सकती है, इस पाइप में आग लग सकती है, प्लास्टिक हमारे शर्ट में आग लग सकती है, पैंट में आग लग सकती है, पेट्रोल डीजल गत्ता पुआल लकड़ी, बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जिसमें आग लग सकती है, वो क्या है, ईंधन है, क्या है, तो पहला है ईंधन। दूसरा है उस आग के आसपास होना चाहिए हवा, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, क्या है, आग लगने के लिए ईंधन हो गया, दूसरा
ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि वो किसी चीज़ से ढका रहेगा तो आग नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसा जगह जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, वहाँ पे आग लगाओगे तो वहाँ आग नहीं लगेगा। तो पहला चीज़ क्या है, ईंधन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा है उचित तापमान। क्या किसी वस्तु को आग लगने के लिए उचित तापमान देते हो, जब ज़्यादा तापमान होता है तभी आग लगती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, आग क्या होता है, आग एक रासायनिक क्रिया है जो तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला है ईंधन, दूसरा ऑक्सीजन हवा, ध्यान रहे, और तीसरा है उचित तापमान। अब समझ में आ गया आग क्या होता है। तो आग मान लीजिए लग गई, अब आग को बुझाने के तरीका कितने हैं, तीन। पूरे दुनिया में कहीं भी आग लग जाए, आग को बुझाने के कितने तरीका है, तीन। ये चीज आपको ध्यान रहे, ठीक है। ओ उस्ताद, थोड़ा घूमते घूमते, एक ही जगह नहीं, ठीक है। तो बुझाने का तरीका है, आग को भूखा मारना। पहला तरीका क्या है, आग को भूखा मारना, मतलब उस जिस ईंधन में आग लगी है, जिस वस्तु में आग लगी है, उसको खाने के लिए और वस्तु मत दो। मतलब जिस वस्तु में आग लगी है उसके आसपास से जलने वाली वस्तु को वहाँ से दूर कर दो। समझ में आ गया, क्योंकि जिस वस्तु में आग लगी है उससे दूसरे वस्तु में आग फैलता है, और ऐसे लगातार आग फैलता रहता है। ये चीज़ समझ में आ गया। तो पहला चीज़ क्या है, आग को भूखा मारना। ये चीज़ समझ में आ गया, कैसे भूखा मारोगे, जिस वस्तु में आग लग गई है उससे आसपास से वस्तु को हटा देना, मतलब वो खुद का खुद जल के ख़त्म हो जाएगा, उसको और कोई वस्तु नहीं मिलेगी आग जलने के लिए, जी आग भूखा मर गया, ठीक है। दूसरा है आग का गला घोटना, आग का गला घोटना। तो आग को गला कैसे घोटोगे, ऐसे नहीं भाई, मतलब उसको किसी वस्तु से ढक देना, आग को ऑक्सीजन बंद कर देना, किसी वस्तु से ढक देना, ठीक है। समझ में आ गया, किसी रेत मिट्टी किसी पाउडर से ढक देना, किसी भिगो के चद्दर से ढक देना, मतलब दूसरा तरीका है आग का गला घोटना। तीसरा तरीका है आग को ठंडा करना। तीसरा तरीका क्या है, किसी आग में लग गई किसी वस्तु में आग, उसमें कोई पानी डाले, कोई ऐसा चीज़ डाले जो आग का टेम्परेचर कम हो गया और आग बुझ गया। तो समझ में आ गया आग क्या होता है, आग को बुझाने के कितने तरीके हैं, ठीक है। तो हर एक आग, मान लीजिए कई वस्तु है उसमें आग लग गई, तेल में आग लग गई तो क्या करेंगे, समझ में आ गया कि नहीं, गैस में आग लग गई तो क्या करेंगे, गला घोट देंगे, गैस में आग लग गई तो क्या ठंडा कर देंगे, लकड़ी गत्ता पुआल में आग लग गई तो क्या गला घोट देंगे, गला घोटने का मतलब समझ रहे हो ना आप, ढक नहीं सकते हर एक वस्तु को। इसलिए आग को मुख्य चार भागों में बांटा गया, कितने भागों में, ये चीज ध्यान रहे, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान रहे, आग क्या होता है समझ में आ गया, आग को बुझाने के कितने तरीके हैं, तीन। अब आग को मुख्य चार भागों में बांटा गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। समझ में आ गया कि नहीं, तो क्लास ए में कौन सी आग आती है, ध्यान रखना है, ऐसा वस्तु जो जलने के बाद राख छोड़ता है, ऐसी वस्तु जो जलने के बाद राख छोड़ता है, तो वो कौन सी क्लास में आएगा, क्लास ए में। कौन कौन सी वस्तु है जो जलने के बाद राख छोड़ता है, लकड़ी, गत्ता, पुआल, रबड़, प्लास्टिक, ये सब समझ में आ गया, बहुत सारे वस्तु है जो जलने के बाद राख छोड़ता है। उसके बाद आता है क्लास बी, क्लास बी तरल पदार्थ की आग होती है, कौन सी, तरल पदार्थ में आग क्या क्या होती है, लिक्विड की आग, लिक्विड की आग समझ में आ गया, तेल की आग, कौन सी, बी क्लास, कौन सी, बी क्लास में तरल पदार्थ की आग में ज्वलनशील तेल आ गया, एल्कोहल आ गया, स्प्रिट आ गया, पेंट आ गया, समझ में आ गया कि नहीं।
जो अल्कोहल है शाम को लेते हो ना, वो भी क्लास बी में आता है। ठीक है, लो समझ में आ गया लोगों को। उसमें भी आग लगती है। सैनिटाइजर लेते हो ना हाथ में, सैनिटाइजर बहुत सारे केमिकल होती है जिसमें आग लग जाती है। कौन सी क्लास में आता है? क्लास बी में। ठीक है, उसके बाद आता है क्लास सी, ज्वलनशील गैस की आग। कौन सी? ज्वलनशील गैस की आग। तो बहुत सारे गैस है जिसमें आग लग जाती है, एलपीजी, सीएनजी, एसिटिलीन, बहुत सारी गैस है। समझ में आ गया कि ना? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जो जलने के उसमें आग लग जाती है। तो कौन सी क्लास में आता है? सी। उसके बाद आता है धातु की आग। कौन सी आग? धातु की आग, क्लास डी में। तो बहुत सारे ऐसी धातु होती है जो ऐसे नॉर्मली नहीं जलेगा, लेकिन हाई तापमान देने पे, बहुत ज़्यादा तापमान देने पे, वो जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, मेटेलिक पाउडर, बहुत सारे होते हैं, मतलब धातु कई प्रकार के होते हैं, एल्युमिनियम, ठीक है, उसमें आग लग जाती है तो बहुत तगड़ा होता है वो। यहाँ पे नॉर्मल यूज में इधर वो आग नहीं लगती। हमारे यहाँ कोई सोने का काम तो होता नहीं, समझ में आ गया कि नहीं? कोई वैसा पिघलाने का काम नहीं होता। वो प्लांट जहाँ पे वैसा काम होता है धातु पिघलाने के, या फिर बहुत ज़्यादा तापमान काम होता है, वहाँ पर आग लगने की चांस होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर तो कितने क्लास में आग हो गए? क्लास ए। क्लास ए समझ में आ गया, क्लास बी समझ में आ गया, क्लास सी समझ में आ गया, और क्लास डी।